अस्सलाम वालेकुम। साकिब मेहदी अली प्रोडक्शन में आपका इस्तकबाल है और हमेशा की तरह मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लेके आता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है फिलोसोफर ऑफ हैप्पीनेस के तहत इरेज द मोस्ट मॉडर्न एंड डेंजरफुल एक्टिविटीज। इरेज मीन्स खत्म करो, डिलीट करो, निकाल के फेंक दो। कौन सी मोस्ट डेंजर एक्टिविटीज को आपको निकाल के फेंकना है? जी जनाबे अली, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को जीने का हक रखा है कि वो खाएं, पिए, खुश रहें, लेकिन उसकी सारी बातें जायज हो। मोस्टली फ्रीडम टू यू। समंदर में नहा लो, नदी में नहा लो, बाइक कितनी भी घुमा लो, खाना खा लो अच्छे से अच्छा, लेकिन कुछ आदतें इस जमाने में इंसान ने रुपये ज्यादा होने से ऐसी खतरनाक पकड़ा है जिनको मैं आज बताता हूँ। मैं कुछ बताता हूँ, आप समझ जाइएगा और उसको धीरे धीरे डिलीट कीजिए क्योंकि उसका नुकसान बहुत है। देखो, कुछ आदतें छोड़ेंगे तो कुछ आदतें बेहतरीन बनेंगी, उससे समाज और मुल्क और इंसान उनकी जिंदगी का स्टैंडर्ड लाइफ बनेगी। देखो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ पहले से। जो लोग अंग्रेजी पढ़ लेते हैं ज़्यादा, या जिन्हें आज की जबान में हाई क्लास कहा जाता है, ज़्यादा रुपये होते हैं, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, वो लोग एक गलती करते हैं। वो कहते हैं भाई कि हमारा एनिमल पालने का शौक है, जानवर, तो वो कुत्ता पालते हैं। कुत्ता एक ऐसा जानवर, कुत्ता पालते हैं, उस पर खर्च करते हैं बहुत, वो भोगता है, एक जानवर है, सुनिए आप। लेकिन इंसान वहीं पे उसके घर के सामने फुटपाथ पे सोता है, मगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप उस कुत्ते को पालना छोड़ दीजिए और मेरा एक शेर सुन लीजिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताद के लिए कम न थे कर लो बयां। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताद के लिए कम न थे कर लो बयां। तो आप उस डॉग को इग्नोर कीजिए, उसको आजाद छोड़ दीजिए जंगल में, वो कहीं पर भी जिएगा। मखलूकात में इंसान होने की हैसियत से, द बेस्ट ह्यूमन बनने की हैसियत से, किसी भी यतीम को पाल लो, आप नौजवान को बॉडी बिल्डर बना लो, उसको खूब खिलाओ पिलाओ, रोज जिम करेगा वो, और उसको आपका शेरा बना दो या आपका उसका दोस्त बना दो, वो आपका बॉडीगार्ड है घर का, वो वॉचमैन बना दो उसको ही, कुत्ते से अच्छा वो इंसान रहेगा। कुत्ता सिर्फ भौंकेगा, लेकिन वो इंसान, यकीन रखिए बहुत गौर से इस वीडियो को सुनिए, वो इंसान आपके हिसाब किताब रखेगा, आपसे बात भी करेगा, रिएक्ट भी करेगा, सारी बातें करेगा वो। तो कुत्तों की जगह इंसान को पालो, जानवरों से ज्यादा इंसान को कमाने की अपॉर्चुनिटीज दे दो। आज के जमाने में मैं तो कहता हूं कि मेरे मौजिज इंसानों ने, जिन्होंने रुपये पैसे ज्यादा कमाए, उन्होंने शौक और फरगत में कुत्तों की नस्ल तक ईजाद किए, कुत्तों की दुकानें तक ईजाद किए, मगर उस इंसान का वैल्यू क्या है मेरे भाइयों? उस इंसान का वैल्यू यह है कि वो पंखे से लटक के ख़त्म हो जाता है। उस इंसान का वैल्यू ये है कि उसे कार की ठोकर से उड़ा दिया जाता है, कुत्ते से कटवा के ख़त्म कर दिया जाता है। ये था उसका वैल्यू, हजरत इंसान। 18,000 क्रिएशंस इन द वर्ल्ड, 18,000 क्रिएशंस, 18,000 तखलीकात, 18,000 मखलूकात बनाया, उसमें बेस्ट एंड बेस्ट आइडियोलॉजी, बेस्ट माइंडलॉजी इंसान को दिया, इंसान को, मुझको, आपको, और उस गरीब को जो किसी अमीर के घर के सामने बैठ के भीख मांग रहा है, या उस औरत को जो कहीं जामे मस्जिद के सामने मार खा रही है। कुत्ते को पालते हैं लेकिन इंसान को नहीं पालते। आज मेरी आंख में वही आंसू भरा दर्द है उस इंसान का जो मजदूर बनके तो जी रहा है, रास्तों पे, रोड़ों पे चल रहा है यहां से वहां तक के, उससे करुणा नहीं हो,
उसके करुणा के डर से फेंक दिया गया, रास्तों पे चलती चलाए, हजार किलोमीटर पैदल चल रहा है, लेकिन किसी के घर में भौ भौ की आवाज़ आती है, उसको खिलाया जा रहा है, उसको बिलाया जा रहा है, हमदर्दी से रखा जा रहा है, मगर उस इंसान को नहीं रखा जा रहा है। इतने दुनिया के लोग हदीसें बताते हैं, पहले इंसान का प्रायोरिटीज तरजीहात किस में होना चाहिए, उसे हक किसका देना चाहिए, उस इंसान का देना चाहिए ना। तो अपने अंदर की मोस्ट डेंजरस मॉडर्न एक्टिविटीज़ को ख़त्म कीजिए। ब्लेड से नाखून छीलते, नाखून से ब्लेड से उल्टी सीधी हरकतें करना, चाकू से उल्टी सीधी हरकतें करना, क्रेज़ी काम करना, अजीब क्रेज़ी काम करना। चंद लोग हैं, मस्जिद के सामने अंधेरा है, या बैलगाड़ी पे अंधेरा है, या फिर बस स्टैंड पे अंधेरा है, या फिर किसी घर के सामने अंधेरा है, बैठने की जगह वहाँ अंधेरे में बैठे हैं। तो ये क्रेज़ी एक्टिविटीज़ है इस ज़माने की, किसी को डर जाते हैं कोई। तो मोस्ट क्रेज़ी एक्टिविटीज़ को छोड़ो, लाइट लगाओ, इसी जगह पर बैठो जहाँ आप लोगों के सामने हो, कोई आप पे शक ना करे। हाँ, आपका घर है तो और बात है कि आप बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को क्रेज़ी एक्टिविटीज़ से बचने की भी लिए कहा है कि अल्लाह से दुआ मांगते थे, ए अल्लाह मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान एक कल्ब दे, कल्ब मुनीब दे, और ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे तू खुश होता हो। जी तो आज से तैयार कर लीजिए, इफ़ यू इंग्लिश, इफ़ यू मुस्लिम, इफ़ यू ईस्ट, इफ़ यू नॉर्थ, इफ़ यू अमेरिकन्स, इफ़ यू अरेबियंस, इफ़ यू अगर रेगिस्तानी है, मकानी है, सहराई है, पानी वाले हैं, तालाब वाले हैं, पहाड़ वाले हैं, तो आज से इस वीडियो को देखते से आप ये सोच लो और ये पक्का ये कर लो कि ना मैं दौलत के नशे में आके ऐसा काम करूँगा, ना किसी और में, मैं मोस्ट डेंजरस एक्टिविटीज़ को छोड़ दूँगा और अल्लाह के नबी के तरीके पे चलूँगा और इंसानियत के तरीके पे चलूँगा और इंसानों को खुश करूँगा। एक यतीम को पाल लो, आपकी ज़िंदगी बन गई, बोल रहा ना बन गई। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किए साकिब मेहदी अली इस इंसान का चैनल, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। इस वीडियो की 1.5 से 5 या 10 दिन में इंकलाब ला दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।